चलिए क्वेश्चन नंबर हम 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सीए फाइनल एसएफएम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का। देखिए, योर क्लाइंट इज होल्डिंग द फॉलोइंग सिक्योरिटीज। पार्टिकुलर्स ऑफ द सिक्योरिटीज इक्विटी शेयर्स, कंपनी एक्स, कंपनी वाई, कंपनी जेड, पीएसयू बॉन्ड्स। ये इन्वेस्टमेंट आपने कितना किया हुआ है? रुपीज 8,000, रुपीज 10,000, रुपीज 16,000, रुपीज 34,000। और डिविडेंड इनका दिया हुआ है कंपनी में, ये सारी डिविडेंड का अमाउंट है। और ये करंट मार्केट प्राइस है, आज की मार्केट प्राइस, दैट इज द दिस इज एज्यूम टू बी पी जीरो एंड इसको मान लीजिए पी वन है। और बीटा आपको दिया हुआ है, एज्यूमिंग रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न कितनी है? 15% है। कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न इन ईच ऑफ द ईच यूजिंग कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल और एवरेज रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो। अब इस क्वेश्चन में सी ए पी एम से एक्सपेक्टेड रिटर्न बोला है निकालने के लिए, रिटर्न एज पर सी ए पी एम। लेकिन उसे निकालने के लिए आपके पास आर एफ प्लस बीटा, यहाँ पे आर एफ माइनस आर एफ होना चाहिए। तो यहाँ पे रिटर्न ऑफ द मार्केट होना चाहिए, रिटर्न ऑफ द मार्केट पोर्टफोलियो होना चाहिए। लेकिन रिटर्न ऑफ द मार्केट पोर्टफोलियो आपके क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, रिटर्न ऑफ द मार्केट पोर्टफोलियो आपके क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। तो जब क्वेश्चन में रिटर्न ऑफ द मार्केट पोर्टफोलियो नहीं दिया हुआ है तो उसके लिए हम एज्यूम करेंगे कि जितनी यहाँ पे सिक्योरिटीज है उस सिक्योरिटीज का ही जो होल्डिंग पीरियड रिटर्न है वही रिटर्न ऑफ द मार्केट पोर्टफोलियो है। ठीक है, अब हम आप यहाँ पे लिखते हैं, टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर सी ए पी एम वी नीड रिटर्न ऑफ द मार्केट पोर्टफोलियो विच इज नॉट गिवेन इन द क्वेश्चंस which is not given in the questions. For this, we assume that given investment holding period return is the market return. तो return of the market हमारे पास क्या हो जाएगा? P1, P0 plus dividend होल डिवाइडेड बाई पी जीरो इंटू 100। तो यहाँ पे P1 क्या क्या हो सकता है? तो 8,200 हो सकता है, 10,500 हो सकता है, 22,000 हो सकता है, प्लस 32,400 हो सकता है, माइनस P0। अब P1 तो मैंने कहा 8,200, 10,500, 22,000, 32,300। P0 क्या हो सकता है? 8,000, 10,000, 1,600, 34,000 माइनस 8,000 प्लस 10,000 प्लस 16,000 प्लस 34,000, ये आपका P0 हो जाएगा। प्लस डिविडेंड में क्या क्या है देखिए, 800 प्लस 3400, 800 प्लस 800 प्लस 800 प्लस 3400 होल डिवाइडेड बाई आपका कितना हो जाएगा? होल डिवाइडेड बाय 8,000 प्लस 10,000
प्लस 16,000 प्लस 34,000। अब आप देखिए 34,000 ये टोटल सम कितना हो जाएगा आपका 82। आपका टोटल सम बताइए कितना हो जाएगा, ये एटी टू हंड्रेड, 10,500, 22,000, 32,300। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 73,000 हो जाएगा, 73,000। यहाँ पे कितना होगा 8,000 प्लस 10,000 प्लस 16,000 प्लस 34,000, 68,000 यहाँ पे हो जाएगा टोटल 68,000। ये 2400 प्लस 3400 हो जाएगा 5800। अब आपका अल्टीमेट कितना हो जाएगा, ये रिटर्न ऑफ मार्केट 73,68,58 प्लस 5800 होल डिवाइडेड बाय 68,000 इनटू 100। दिस योर आरएफ, प्लस 5,000 ये आपका हो जाएगा 10,800 प्लस 68,000 इंटू 100 डिवाइडेड 68,000 इंटू 100 तो 15.88 हो जाएगा, 15.88% हो जाएगा, 15.88% हो जाएगा, 15.88%। ठीक है, सेवेंटी थ्री माइनस 68,500। अब आपको क्या निकालना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर सीएपीएम लिखिए। कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर सीएपीएम, सीएपीएम यहां पे सिक्योरिटी होगा, सिक्योरिटी एक्स, सिक्योरिटी वाई, सिक्योरिटी जेड, पीएसयू, बॉन्ड। एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर सीएपीएम रिस्क फ्री प्लस बीटा आरए माइनस आरएफ, तो रिस्क फ्री कितनी है 15%, 15%, 15%, ये 15% प्लस 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 रिस्क फ्री यहाँ पे 15%, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न कितना है 15% है। बीटा कितना है 0.8, 0.7, 0.5, 0.2, 0.8, 0.70, 0.50, 0.20, 15.33, 15.88, 15.88 माइनस 15, 15.88 माइनस 15, 15.88 माइनस 15,
15.88 माइनस 15। अब देखिए यहाँ 15.88 माइनस 15 इंटू 0.8 प्लस 15, 15.704% इंटू 0.7 प्लस 15, 15.8 इंटू 0.7 15.616% इंटू 0.5 15.44% 0.2 15.176%। अब ये आ गया, ये हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर सीएपी हम निकल गया, ये हमने फर्स्ट पार्ट का आंसर निकाल लिया। अब क्या करनी है, एवरेज रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो, एवरेज रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो सेकेंड पार्ट का, एवरेज रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो क्या हो गया यहां पे 15.704 प्लस 15.616% प्लस 15.44% प्लस 15.176% होल डिवाइडेड बाय 4, तो कितना हो जाएगा 15.704 प्लस 15.616 प्लस 15.44 प्लस 15.176 आपको जगह 61.936 होल डिवाइडेड बाय 4 डिवाइड 4 आपका हो जाएगा 15.484%। ये आपका एवरेज रिटर्न हो जाएगा। तो इस क्वेश्चंस में आपका ये कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट क्या था कि रिटर्न अंडर मार्केट पोर्टफोलियो नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर सीएपीएम पूछी गई है। तो यहाँ पे हमने एज्यूम किया कि जो इन्वेस्टमेंट है उसी के बेस पे हम रिटर्न अंडर मार्केट पोर्टफोलियो निकालेंगे, उसके बेसिस पे हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर सीएपीएम निकाला। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।